नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। तस्वीरें यूपी के मऊ जनपद के डीएसके पीजी कॉलेज की है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर तमाम तस्वीरों में आप देखा कि काफ़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सोचकर आज सुबह सुबह एकदम 8:30 बजे पोलिंग बूथ पर क्या मन में है, किस तरह का सांसद चुनना है, किस तरह की सरकार चुननी है, अच्छी सरकार, क्या नीड है यहाँ पे घोसी लोकसभा में, क्या क्या नीड है, क्या जरूरतें हैं, बाकी है तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जरूरी है, क्या सुविधाएं चाहते हैं, घोसी लोकसभा में कैसा सांसद चुनना चाहते हैं, सुबह सुबह 8:30 बजे लाइन में लग गए, विकास के नाम, सारा कुछ विकास के नाम, मऊ का विकास कितना हुआ है, आप कितने सहमत हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है लेकिन और हो सकता है मेरे हिसाब से, और अच्छा सांसद चुनना चाहेंगे जो काम करे, वापस जेल वाला सांसद नहीं चाहिए, जेल जाए वैसे सांसद चाहिए ही नहीं, जो राष्ट्र हित में काम करे और पूरा जिले को ले कर चले, ऐसा सांसद चाहिए। यहाँ पर तमाम जो लोग पहुँचे हुए हैं इनसे बात करते हैं। अभी देखिए एक बुजुर्ग आई हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्होंने दादी वोट दे दिलू, का मन में रहे सुबह ही वोट देवे, लिवा के आगे जबरदस्ती के अपने से लुआ। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो रंग है वो आपको देखने को मिलेगा, तमाम जो लोग हैं वो भी मिलेगा देखने को। बात करते हैं, सुबह सुबह 8:30 बजे पोलिंग बूथ पर लाइन में लग गए, क्या कुछ सोच के आए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का सांसद चाहते हैं, मजबूत सरकार सांसद घोसी में कैसा हो, आपको आपके मन में क्या है, जो भैया घोसी के लिए काम करे, घोसी का सांसद ऐसा हो जो घोसी के लिए काम करे। हाँ, क्या कह रहे थे आप, अपना नाम बताएंगे, हाँ क्या कह रहे थे, घोसी के सांसद कैसा हो, सांसद ऐसा हो जो घोसी के लिए काम करे, फिर बाकी 5 साल का मजा लेके पैसा लेके फरार ना हो जाए, ठीक है, काम हमारा घोसी का सांसद ऐसा है कि हमेशा यहाँ रहे भी नहीं तो पर काम होता रहे मऊ के लिए, विकास के लिए काम हो, क्या क्या जरूरतें हैं जो मूलभूत, हाँ ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी आगे अपने लिए कुछ कर सकेंगे, जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फिर उसके साथ गुलामी करेंगे, किसी का चाहे नेता का हो चाहे किसी का भी हो, ये गुलामी होगा। ये देखो तमाम लोग अभी वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और इन्होंने अपनी बात सही कही, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अपनी बात अच्छे से कह सकते हैं। क्या सोच के आई हैं यहाँ पर बूथ में सुबह सुबह, सुबह सुबह ये सोच है कि मतलब जनहित के लिए सब अच्छा ही काम हो, कोई अच्छा ही हो, आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, देश संभालने के लिए, देश संभालने के लिए कौन लगता है देश कौन बढ़िया संभाल रहा है, देश तो देखिए सब मतलब जो है जो मोदी जी जैसे तो कोई नहीं चमकाया है, मेरा तो इच्छा ये है कि वही मोदी जी ही राजगद्दी पर आए। देखिए महिलाओं में मोदी का बहुत अच्छा क्रेज है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या सोच के आए सुबह सुबह वोट देने के लिए, जल्दी खाना बनाना है, देखिए यहाँ पे भी तेजी है और इससे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सोच कर आए हैं, सुबह सुबह 8 बज रहा है और सुबह ही सुबह लाइन में लग गए, सर मैं लाइन में तो 7 बजे से लगा हूँ, 1 घंटा और लग गया है, लेकिन क्या बताया जाए, बहुत लाइन स्लो चल रही है, किस तरह का सांसद चाहिए और किस तरह का देश में सरकार चाहिए, हमें देखिए बढ़िया बिजली चाहिए, 24 घंटा पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी रेल चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर ये चाहिए, 5 मुख्य हमारे बिंदु हैं, ये अच्छे होने चाहिए। घोसी में किस तरह का सांसद चाहते हैं, बढ़िया विकास वाला एकदम, जो एकदम विकास करे, 2400 हमें कल्पनाथ राय जैसा चाहिए सांसद, जो कल्पनाथ राय थे एक समय में वैसा ही सांसद चाहिए हमें, काम करने वाला। तो आज मूड बना के आए, मूड बना के आए, अपना पहला वोटर लेके आए, मेरा बेटा का जो है पहला वोटिंग है, अच्छा ये पहला वोटिंग, क्या नाम है आपका, मेरा नाम संस्कार अग्रवाल है। तो आप क्या सोचते हैं, पापा समझा समझा के आए कि आपका खुद का डिसीजन है, अब हम इतने काबिल हैं कि अपने मन से क्या सोचते हैं, घोसी में जब आप बच्चे थे या बड़े हो गए तो घोसी में क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए, जो आप नहीं यही घोसी यही मऊ ही मान लीजिए, आपको क्या क्या लगता है कि जब आप बाहर पढ़े होंगे तो मऊ में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यही मतलब और डेवलपमेंट होना चाहिए, स्मूथ सड़कें बननी चाहिए और स्कूल खुलने चाहिए, गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए ये पहले वोटर थे और इन्होंने बात बताया, ये चाचा जी वोट देने हैं, वोट दे लिए हैं, देना है, क्या सोच के आ गए सुबह सुबह ही एकदम 8:00 बजे, सुबह थोड़ा खाली होगा जल्दी से हो जाएगा, नहीं कितने देर से हैं आप, 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, तो क्या कारण बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी नहीं ले रहे हैं, स्लो वोटिंग चल रही है, स्लो वोटिंग
आप क्या सोच के आए हैं सुबह सुबह बूथ पर? खाली रहेगा पर बहुत भीड़ है। बस खाली ही रहेगा, कुछ मन में आया है कि किस तरह की सरकार चुननी है, कौन कैसा सांसद चुनना है? अच्छी सरकार चुननी है। आप क्या सोच रहे हैं? बढ़िया सरकार। अच्छी सरकार कौन, किसको कौन लगता है कि कौन बढ़िया काम कर रहा है देश में? सड़क बढ़िया हो, बिजली अच्छी हो, सुरक्षा हो, बस। चलिए यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। चाची सुबह सुबह अल्लू खाना वाना बन गई? अभी बनी है, पहले वोट दे दो क्या है? चलिए यहाँ पर महिलाएं हैं और इनका अलग अलग है, और इधर भी जो लोग हैं वो लोग पहले जो एक स्लोगन है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या सोच के आए यहाँ पे पोलिंग बूथ पर? 8:15 और क्या पहले यहाँ पे पहुँच गए? विकास के लिए अच्छा काम हो रहा है, इस पर देरी हो। चलिए, विकास एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे भी हैं। तो डीसीएसके पीजी कॉलेज का ये पोलिंग बूथ है और अभी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए जो बुज़ुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएँगे। तभी तमाम खबरों के लिए बने रही सबसे तेज़ न्यूज़ के साथ।